थाना बेबर क्षेत्र में ही शादी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कराने और पैसे वापस दिलाए जाने की मांग को लेकर एक पीड़ित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। यहां उसने एक शिकायती पत्र दिया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर मौजूद इस व्यक्ति का नाम सर्वेश कुमार पुत्र रघुनाथ प्रसाद निवासी ग्राम अटलकड़ा थाना बेवर है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर शिकायती पत्र दिया है कि करीब 6 माह पूर्व 1 लाख रुपया सुनीता पत्नी हृदेश कुमार निवासी ग्राम खाकेताल व धर्मेंद्र सिंह पप्पू पुत्र राधेश्याम हिमांशु पुत्र हृदेश कुमार के हाथों से रुपये सुनीता देवी को दिलाए गए थे। शादी के नाम पर उससे 1 लाख रुपए लिया गया था, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई। जब उसने पैसों की मांग की तो अब उक्त लोग उसका पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। पीड़ित ने थाने पर तहरीर दी थी, लेकिन थाने पर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब पीड़ित पैसे वापस दिलाए जाने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुँचा और यहाँ उसने क्या कुछ बताया है, अब जरा यह भी सुनिए। यहाँ क्या समस्या को लेकर आ रहे थे? सर, हम आए थे, झूठ बाद में पता देते हैं, रहती है सुनीता कुमारी। ये कौन है? ये साक्य कहाँ के रहने वाली हैं? साकेताल के। क्या समस्या है, क्या शिकायत है? शिकायत यह है ये फूलबाग में शादी कराने के लिए सबरा फांसती है। उन्होंने इनने रुपया मांगा धर्मनंदन ने, मेरे पास रुपया नहीं थी, तो मैंने खेत गर्मी डर के 1,30,000 रुपया दिया। हमने माल जेवर दिया, धोती कपड़ा सब चीज दिया। आपका इनका इनसे क्या संबंध है? संबंध मेरा ये सुनीता है, शादी कराती थी, धर्मनंदन ने फंसाया, धर्मनंदन ने पप्पू ने। आपकी शादी करने की, आपसे शादी करने की? शादी की। फिर आपके साथ शादी हुई? शादी हुई, ये बजाय दे निकाल देती हैं, घर पर जाती नहीं है। कितना रुपये ले लिया आपसे? 1,30,000। अब आप क्या चाहते हैं? 1,00,000 लिया था। हम क्या चाहते हैं, मेरे घर पर आए, मेरे घर पर आए ना, वापसी करें और ना मेरे घर पर आकर हमारे घर पर भेजी जाए। और आपने थाने पे कंप्लेंट की? हाँ, थाने कंप्लेंट थाने में दिया है, थाने में दरोगा बिछियाते हैं, कोई सुनवाई होती है, कोई बात नहीं। एक बार दिया कप्तान पास दिया, सी ओ पास दिया, तो कोई हमारी सुनवाई होती नहीं। कुंडन के थाना है, हमारी कोई सुनवाई होती नहीं।